नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा जिसका नतीजा एक सबक। आज शुरुआत करते हैं कत्ल की उस वारदात से जिसे सामने देखकर खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस वालों ने उस BMW गाड़ी की डिग्गी क्या खोली, उनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। एक 6 इंच गहरा और करीब 2.5 फुट चौड़ा सूटकेस जैसे ही खुला तो उसमें से एक 6 फुट लंबे इंसान का जिस्म नजर आया जो पूरी तरह खून से सना हुआ और उसके शरीर पर जो गोलियों के निशान थे वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी ने दिए। मर्डर का ये हाई प्रोफाइल किस्सा पंजाब के मोहाली से सामने आया है। बंगला नंबर 116 में कातिलों का हमला। वो रात जब माथे का सिंदूर मिटाने चली सुहागन, बहके कदमों की अनबुझी प्यास ने बना दिया खून की प्यासी। क्या करता, अकेला पड़ गया था वो। पूरी बॉडी ते अखां ते छाती ते पिट ते नील सी। आखिरकार हार गया भरोसा और सुहागन बनी कातिल। हादसे की हद के बाद साजिश ने पलटा दूसरा पन्ना। एक सूटकेस में अपने पति की लाश को पैक किया और उसके बाद इस गाड़ी में रखकर भागने की कोशिश की, लेकिन एक चूक ने फिजाओं को दहला दिया, सबको सच बता दिया। गाड़ी में सूटकेस रखने के लिए सड़क पर जा रहे एक ऑटो चालक की सहायता ले ली और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सुराग बन गए सबूत। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं BMW, इसमें अभी भी खून के निशान है जो कि इस बात के गवाह है कि किस तरह से सीरत ने पहले कोशिश की। खुल्लम खुल्ला खुला रात का राज, कहानी सुहाग रात की। ये दिल दहलाती कहानी है उन लबों की जिन पर झूठ पाला पोसा गया था, उन आंखों की जिनमें भरोसा धोखा बनकर तैर रहा था। ये दास्तां है नफरत और अंधी मोहब्बत में डूबे कातिलाना इरादों की। पुलिस के बीच पर्दे में छिपे इस चेहरे का सच बेपर्दा हो चुका है। खुल्लम खुल्ला उसकी करतूत चीख रही है। पंजाब के मोहाली की रहने वाली सीरत ढिल्लो के पास सूरत थी, लेकिन नाम को पूरा करती सीरत ही ना थी। उसने अपने आंगन में अपनी दुनिया से बाहर से आई नापाक मोहब्बत का ऐसा बबूल बोया जिसके कांटों ने आज पूरे परिवार को छील कर लहूलुहान कर दिया है। वो धोखा जो पहले उसके ही पति एकम की चीखों में बदला और फिर इन आंखों में दर्द बनकर तैरता है। I am taking my 2 grandchildren and my son. I am going to the chief minister's residence from here. बूढ़े कंधों पर जवान बेटे की लाश धोने का दर्द अल्फाज बनकर निकला और आंसू की शक्ल में जमाने को दिखा। निशब्द एहसासों में इंसाफ की आस। इसी बंगले में खेले गए खूनी खेल और रात का राज अब जमाने के सामने है। सीरत की एक चूक ने सलाखों के दरवाजे खोल दिए। चूक बताने से पहले बताते हैं आखिर उस रात क्या हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक कत्ल की रात एकम के अलावा 3 कातिल मौजूद थे। उन पर हमला 3 लोगों ने किया। एकम की पत्नी सीरत, सीरत का भाई विनय और विनय के दोस्त ने पहले सीरत को जमकर पीटा। एकम यूं तो लंबा चौड़ा था लेकिन 3 लोग उस पर भारी पड़ गए। उसके बाद कातिलों ने उस पर पिस्तौल से गोली चला दी। गोली की चीख में उसकी आखिरी आवाज और सांसों ने दम तोड़ दिया। खून की छींटों से दीवारें भीग गईं। कत्ल के बाद बाकी दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। फिलहाल तफ्तीश खुलासे तलाश रही है, लेकिन अब तक जो उसने उगला है उसके मुताबिक अगली सुबह सीरत ने लाश को एक सूटकेस में बंद किया और उसे ठिकाने लगाने के लिए किसी तरह घर के दरवाजे तक ले गई, लेकिन सूटकेस में बंद वजनी लाश उससे न उठी।
लिहाजा उसने वहां से गुजर रहे एक ऑटो चालक से सूटकेस उठाने में मदद मांगी। ऑटो चालक की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। जो अटैची केस है उसमें कुछ खून टपक रहा है और एक ऑटो भी अलग साथ में था उसमें, और थोड़ा गोलने का पता लगा कि इसमें कुछ है। और साथ के साथ जब हमने बुलाया और हमने जब उसको अटैची केस को खोला था, एकम की डेड बॉडी थी उस अटैची केस में। पुलिस मौके पर पहुंची तो सीरत वहां से फरार हो चुकी थी। कार के पिछले दरवाजे पर लगा खून किसी वारदात और अनहोनी का गवाह बना खामोश बैठा था। दरवाजे के अंदर पुलिस को एक सूटकेस मिला और सूटकेस खुला तो सामने थी एकम की दबी कुचली ठूसी हुई लाश। मामला हाई प्रोफाइल था और संगीन भी। फौरन फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई। पूरा बंगला चंद घंटों में छावनी बन गया। चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू हुई। पोंछे गए सुराख के बिखरे निशान कई जगह अपनी छाप लिए बैठे थे। उन्हें फोन आया कि भई ये एकम ते नौपड़ा जानकार है कि उन्हें क्या, हाँ मेरा तो भतीजा ही लगता है। तो कहते यार उन्हें गड्डी च कोई बैग दे विच लाश पई है, लगता है खून डिग रहा है तो पुलिस आई भी है। आलाए कत्ल भी पुलिस को मिल गया। वो बाकायदा एक अलमारी में बंद था। और अगर ये भी मान लिया जाता कि एकम ने आत्महत्या की तो मौत के बाद तो वो पिस्तौल को अलमारी में बंद नहीं कर सकता था। जेडी पिस्टल दी रिकवरी है वो झोले चो हुई गई है अलमारी के अंदरों। जे एकम सिंह ने अपने आप में गोली मारी है तो मरण तो बाद तो पिस्टल अलमारी च रख नहीं सकता है, बट ऑब्वियस है किसी ने मार के रखा गया। पहला शक गया उसकी पत्नी पर, लिहाजा उसकी तलाश शुरू हुई। लेकिन सीरत खुद थाने में पेश हो गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सवाल ये था कि ऐसा क्या हुआ कि सीरत ने अपने ही पति का कत्ल कर डाला। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक यूं तो सीरत और एकम की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच कई साल से संबंध ठीक नहीं थे। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। खुलासा ये कि इन्हीं झगड़ों के चलते सीरत ने एक दिन उसका खून कर दिया। हस्बैंड वाइफ का आपस में कुछ घर में प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से कान में उसने एक गोली लगी और दूसरी बार निकल गई, इससे उसकी मौत हो गई। खुलासों में एक खुलासे का दावा एकम के घर वालों का भी है। उनके मुताबिक सीरत के कई लोगों से नाजायज संबंध थे। एकम को उसके नाजायज संबंधों का पता चल गया था। इसी के चलते सीरत ने अपने भाई और प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची और एकम का कत्ल कर दिया। पिछले 3-4 महीने तो इन्हों की सस ते इन्हों की वाइफ इन्हों बहुत ज़्यादा टॉर्चर टॉर्मेंट और तंग कर रहे हैं। बच्चों नहीं सांभ रहे ठीक तरह, जिमें दस रहे कि बच्चों ब्रश नहीं कराते, आ नहीं कराते, वो नहीं कराते, भी तंग किया होया सीगा। एकम के घर वाले घबराए हुए हैं। डर इस बात का कि सीरत के परिवार का रसूख कहीं उनकी इंसाफ की आस को भी मार न डाले। तो फिलहाल ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस जो कि पंजाब के मोहाली में जिसको अंजाम दिया गया उसको सुलझा लिया गया है और एकम सिंह की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सीरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी माँ की तलाश की जा रही है, उसके भाई विनय और उसके दोस्त की भी तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। इनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पंजाब पुलिस का दावा है। आपको याद होगा महज 1 महीने पहले ही उज्जैन से एक तस्वीर सामने आई। जी हाँ, हम उसी शनि शक्तिपीठ की बात कर रहे हैं जिसमें आपका एक कोना था और जिसकी तस्वीरों ने सामने आकर मंदिर और मठ की आभा धूमिल की थी। उसी मठ से एक और तस्वीर सामने आई है। बस आप इतने से सारी बात समझ जाएंगे कि यहाँ आरती में हिस्सा लेने पहुंची भीड़ जब गुस्साई तो उसने एक पुजारी की ही आरती उतार दी। जानते हैं भीड़ गुस्साई क्यों, आप खुद देख लीजिए। आपको कुछ और दिखाएं या बताएं, उससे पहले वर्दी वाले साहब का ये बयान सुन लीजिए। कुछ असामाजिक तत्वों के आने की सूचना मिली थी, तो इस संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई थी, तो यहाँ तो कोई व्यक्ति मिला नहीं है और अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सुना आपने दरोगा साहब ने क्या कहा, इत्तला तो मिली लेकिन कोई बवाली नहीं मिली। और इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं,
लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि बदन पर अगर वर्दी है तो जुबान पर भी सच ही होगा। एक नजर इन तस्वीरों पर भी डाल लिया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, तस्वीरें झूठ कतई नहीं बोलती। ये सब कुछ उज्जैन के श्री शनि शक्तिपीठ मंदिर से सामने आया है, और ये उज्जैन के श्री शनि शक्तिपीठ का वो ताजा सच है जो तस्वीरों के जरिए जमाने के सामने आया। यहां लोग आरती के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन भीड़ में शायद भक्त कम नजर आ रहे हैं, और थोड़ी ही देर में माहौल बिगड़ गया। एक पुजारी हाथ में त्रिशूल लेकर भीड़ की तरफ लपकता है, तो उसे देखते ही भीड़ सिर पर पांव रखकर भागने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में बाजी पलट जाती है। पुजारी ने जैसे ही पीछे मुड़कर दूसरे पुजारी से बात करनी शुरू की, तभी पीछे से भीड़ के कुछ लोग उससे त्रिशूल छीन लेते हैं, और देखते ही देखते पलड़ा भीड़ की तरफ भारी हो जाता है। भाग रही भीड़ दोबारा लौट आती है और उस पुजारी की पूजा शुरू कर देती है जो भीड़ को खदेड़ने की गरज से त्रिशूल लेकर दौड़ा था। किसी तरह वहां मौजूद कुछ भक्तों ने पुजारी को बचा लिया, मगर गुस्से से बौखलाई भीड़ के कुछ लोग मंदिर में पत्थरबाजी करने लगते हैं। और जब यहां सब शांत हो जाता है, तब सीन में पुलिस आती है। कुछ असामाजिक तत्वों के आने की सूचना मिली थी, तो इस संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई थी, तो यहां तो कोई व्यक्ति मिला नहीं है और अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अब वर्दी वालों को तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन पुजारी को दिन में ही तारे नजर आ गए। हम तो आरती कर रहे थे, आरती करते करते बस हंगामा कर दिया लोगों ने, पत्थर फेंकने लग गए गाड़ियों पे। दरअसल इस मंदिर में हुई वारदात एक गुस्से का नतीजा है, वो गुस्सा जो लोगों में इस मंदिर के पीठाधीश्वर नारायण स्वामी को लेकर पनपा। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब इस मंदिर का एक सच मंदिर से बाहर आया था तो उससे पूरे इलाके में सनसनी दौड़ गई थी। आपके जहन में अब यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शनि शक्ति पीठ का वो कौन सा सच था जिसके सामने आकर इस मंदिर की महिमा को ठेस पहुंचाई थी। तो चलिए आपको उस सच से भी रूबरू करवा देते हैं। तस्वीरों में छिपी एक तस्वीर, इन तस्वीरों में छिपे दो सच, एक बेपर्दा, एक पर पर्दादारी। सामने आई बाबा की डर्टी पिक्चर। अब तक जो आपने देखा उसमें छिपी थी एक घिनौनी हरकत। उज्जैन में शनि शक्तिपीठ मंदिर पर लोगों की बेहद श्रद्धा है। मंदिर के बाहर स्वागत करती ये होर्डिंग्स और तस्वीर, ये हैं बाबा श्री नारायण जी महाराज। इनकी पदवी इनकी शख्सियत का एहसास कराती है, शनि शक्ति पीठ मंदिर के पीठाधीश्वर। अगर आप पर शनि भारी है, तलाक, शादी, नौकरी में परेशानी जैसी तमाम समस्याओं का चुटकियों में हल निकाल लेते हैं, बाबा की इस डिग्री पर ध्यान दीजिए, ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट। अब आपको सच से भी बावस्ता करा दें जो पोस्टर में नहीं लिखा है। दरअसल बाबा को बे औलाद महिलाओं को औलाद का वरदान देने में भी महारत हासिल है, लेकिन इस बार उनकी इसी महारत का जाल उनके जी का जंजाल बन गया और मामला शनि शक्ति पीठ से निकलकर महाकाल थाने तक जा पहुंचा। पुलिस के मुताबिक बाबा की पत्नी ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने एक महिला पर नारायण श्री को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। कागजों में लिखी शिकायत कहती है
कि एक महिला बाबा की नकली सेक्स सीडी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और 25 लाख रुपए की मांग कर रही थी। अब ये तो तय है कि ऐसा करने के लिए महिला को साइबर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बहरहाल हकीकत तो फिलहाल तफ्तीश की मोहताज है, लेकिन जरा इन तस्वीरों में सच झांकने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में एक शख्स रोशनी को तरसते एक कमरे में एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा है। सामने धर्म की आड़ में फरेब का चोला पहने एक दाढ़ी वाला शख्स नजर आता है। नीचे रखी पूजा की थाली में एक टिमटिमाता दिया जल रहा है। शख्स सामने किसी से बात करता जा रहा है और फिर वो अपने कपड़े उतारना शुरू करता है। पहले वो अपना केसरिया चोला उतार देता है, फिर इनर और बनियान। अब साहब करीब करीब बिना कपड़ों के थे। तस्वीरों में एक हाथ भी आपको दिख रहा होगा। उधर क्या हो रहा है वो चंद पलों में ही साफ हो जाएगा। एक महिला सामने आती है और उसने भी कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। जाहिर है ये वीडियो हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन हकीकत इन्हीं तस्वीरों में छिपी हुई है, लिहाजा हम इस वीडियो को धुंधला करके दिखा रहे हैं। बाबा ने पानी भरा लोटा उठाया और अनुष्ठान शुरू कर दिया। बाबा ने शुद्धि के लिए उस पर पानी छिड़का और फिर अश्लील हरकतें शुरू कर दी। दरअसल बाबा अनुष्ठान की आड़ में इस महिला की अस्मत से खेल रहा था। तो आज हादसा में बस इतना ही।